दोस्तों आजकल YouTube पर एक पत्रकार पप्पू जी के नाम से बहुत फेमस हो रहे हैं, जो कि भोजपुरी के अश्लीलता के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। तो चलिए, इनका एक वीडियो है उर्फी जावेद न्यू लुक, देखते हैं। बड़ा ही मजेदार वीडियो होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। आइए चलिए मजे से इस वीडियो को देखते हैं। ऑन कीजिए, ऑन कीजिए। आप तो एकदम लफुआ, इधर देखते हैं उधर देखते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे काफी भीड़ लगा हुआ है। पता नहीं कोई मॉडल या क्या है ये, ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता। फोटो शूट हो रहा है, बॉलीवुड का है कि हॉलीवुड का है कि साउथ का है कि भोजपुरी का है। जय हिंद दोस्तों, मैं आजकल का असली रिपोर्टर पत्रकार पप्पू जी, और आपका अपना पप्पू जी भी। तो देख सकते हैं, आइएगा थोड़ा सा इधर आइएगा। अरे अरे, हो गया हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फैंस मेरे बड़ी आजकल है जी। क्या बहुरूपिया नमूना क्या है जी? एलियन उलियन उतर गया धरती पर क्या जी? क्या 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 भेष बनाया है जी? हेलो, कौन है आप, क्या कर रहे हैं? मॉडल सेक्सी मनोज। क्या? मॉडल सेक्सी मनोज। मॉडल सेक्सी मनोज, ये मॉडल है ये? आई एम अवार्डेड 4 times पटना मिस पटना अवार्ड, ग्लैमरस अवार्ड, सेक्सी वुमेन अवार्ड, सेक्सी मैन अवार्ड, कोको कोला अवार्ड, एंड आई एम अवार्डेड सेक्सी फ्रॉम पेप्सी। कौन इसको अवार्ड इतना देता है जी? हम आपका हेल्प करते हैं, ठीक है? चलिए थोड़ा सा गांधी मैदान, वहां हम आपका इंटरव्यू लेंगे। आप लोग भी चलिएगा और वहां से पूरा फैन आपका बढ़वा देंगे, समझे? अरे इतना ताकत है कि आपका फैन बढ़वा देंगे, ठीक है? चलिएगा। तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है नहीं है। आइएगा आइएगा, तो आइएगा आइएगा। डोंट टच। क्या हुआ? डोंट टच। डोंट टच, तो हम खुद प्रतिष्ठित पत्रकार है, उस नजर से थोड़े हम आपको छुए हैं। गजब, आपको ले थोड़े रहे हैं। चलिए उधर आइए। देख सकते हैं एकदम कुछ अजीब जैसा ड्रेस, इधर 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 क्या क्या इधर देख सकते हैं, कुछ पान का पत्ता, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हम तो देख सकते हैं, हम गांधी मैदान आ चुके हैं। अच्छा, हेलो हेलो, इधर सुनिएगा जी। आप सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या ऐसा दुख दर्द पीड़ा, कहाँ कीड़ा क्या घुसा, जो ऐसा आप बहुरूपिया, मतलब क्या रूप बनाए? एलियन से भी भयंकर, कौन ग्रह से आए हैं, मतलब क्यों ऐसा लुक बनाए हैं? ये चमकीली न्यू लुक, क्या खराबी इस लुक में? तो ये पत्ता बांध के, चमकीली बांध के न्यू लुक होता है। आप जैसे लोग ही मेरे लुक को जज करके मुझे आगे नहीं बढ़ने देते हैं। डोंट जज मी। हमको बोल रहे हैं कि हम आगे नहीं बढ़ने देते हैं, हम तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप अश्लीलता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अश्लीलता परोस रहे हैं, तो हम आपको कैसे बढ़ाएंगे, आप बताइए। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे, इस लुक के लिए मैंने 29 साल तक कठोर परिश्रम किया है। आप नहीं जानते हैं, हम आपको बताएंगे। ऐसा लुक के लिए 29 साल परिश्रम किया है, अपने बॉडी पर काम किया, अपने लुक्स पर काम किया, अपने बालों पर काम किया, उसके बाद जाके मैं ऐसा लुक लाई हूँ। और यहाँ तक कि मैं मेरे जो इम्प्रेशन है उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। कौन कौन इम्प्रेशन है? इम्प्रेशन एकदम बॉलीवुड से है जी, मैं उनको देख कर ये सीखा हूँ, ये सारे ड्रेसेज मैं उन्हीं से सीखता हूँ। मेरे इम्प्रेशन में उनका नाम क्या लूँ? अगर आप खुल के नाम बता सकते हैं, बताइए नाम। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो मुझे आशीर्वाद जरूर दें। कहना चाहूंगा कि कहना चाहूंगी, सॉरी, कहना चाहूंगी। हमारी इम्प्रेशन है, आदमी की औरत समझे नहीं आ रहा। सुनिए ना, मेरी इम्प्रेशन है उर्फी जावेद मैडम, दीपक कलाल सर उनका नाम, मैं क्या लूँ, वो तो एकदम साक्षात क्या बोले, और राखी सावंत मैडम, उन्हीं के वीडियोस देखकर, उन्हीं के टैलेंट को देखकर मैं सब सीखती हूँ। क्या क्या पोज सिखाते हैं, सुन लिए? इम्प्रेशन कौन है? उर्फी जावेद, आए वो क्या बोले, दीपक कलाल, राखी सावंत, देख लियो ना जी, किससे ये सीख रहे हैं। लीजिए, ये पटना का मॉडल बता रहे हैं, किससे सीख क्या रहे हैं, आगे का क्या प्लान आइडिया है, कुछ बताइएगा कैमरा पे जी। देखिए, मैं अभी तक पटना लेवल पर इतने सारा इमेज बना चुकी हूँ। हाँ। आप भी आए हुए हैं। हाँ। और फिर मैं बॉलीवुड से
बॉलीवुड नहीं, मैं हॉलीवुड लेवल तक जाना चाहती हूँ। अच्छा। और उसके बाद इंटरनेशनली पूरा छा कर, सबको दिखा कर, उसके बाद मैं इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में एकदम से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। कैसे? देखिए ऐसे कीजिएगा जी, मॉडलिंग में तो मैं यही सीखती हूँ कि ऐसे खड़ा हो, ऐसे खड़ा हो, ऐसे खड़ा हो। हमको ये नहीं समझ आ रहा, ये बोले कि पटना में अभी मैं वायरल हो रही हूँ, फिर बिहार लेवल तक करूंगी जो भी करना होगा मेहनत, फिर बॉलीवुड तक जाऊंगी, तब बॉलीवुड तो खुद बायकॉट हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे काम करूंगी। यह देखिए ले, अब इसको हम बताइए, यही तुम अश्लीलता परोस के इंटरनेशनल लेवल पे काम करेगा रे? हाँ, यही हुलिया बना के, तुम आदमी है औरत है क्या है? हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और तुम्हारा जो साथ दे रहा है हमको। ए पप्पू जी आप ऐसा नहीं बोल सकते, लोग जो देखना चाहते हैं वही तो मैं दिखा रही हूँ। तो लोग तो देखना बहुत कुछ चाहते, तो यही मॉडलिंग को ले जा रहे हैं। आए तुम्हारा जैसा चूतिया आदमी, इसको हम मतलब क्या बोले, गाली भी नहीं दे सकते, कुत्ता बोले कि कुत्ती, मतलब क्या बोले, लड़का लड़की समझे, साला चूतिया है, सब चूतिया है। आप स्ट्रगल नहीं समझेंगे, बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल हम नहीं समझेंगे। ए कैमरा ए सर, ए भड़ुआ हमको मत छू, ए पहले कैमरा बंद कीजिए, हम अश्लीलता पर रे, साला पागल आदमी रे, साला हमको क्यों टच कर रहा है रे? तो एक मौका आप भी दीजिए, देख सकते हैं ये अश्लीलता पर ऐसा है, इससे बढ़िया रहता कि नंग रे सर, चुप, इससे बढ़िया रहता कि ये नंगे रहता, कपड़ा पहनता ही नहीं, जब इतना पान का पत्ते इसको लगा, रे साला पनेड़ी है क्या रे, क्या है तुम रे साला, एलियन कहां से आया है तुम रे? देख सकते हैं, हम एक चीज बता देना चाहते हैं, हम अश्लीलता भगाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमको अगर नंगा होना पड़े तो वो भी कर सकते हैं। रे अपना टी शर्ट दीजिए, अरे इसको ढकेंगे ना कैमरा में, तू लोग साला मीडिया वाला चूतिया ला कैमरा, साला क्या इसको तुम स्टार बना रहा है? अश्लीलता दिखा रहा, पान के पन्ना चमकीली बांध के आ गया तो ये स्टार हो गया ना? हाँ असली स्टार तो हम है पप्पू जी, हमको कोई नहीं पूछता है। पत्रकार भी अपना कपड़े उतारने, एक रिपोर्टर के साथ तुम छेड़खानी करेंगे पप्पू जी? आप मुझे अरे अरे रे बंद कर, अरे कपड़ा पहन, घर कहाँ, तोर घर कहाँ है रे, घर कहाँ है? नाला रोड पटना, नाला रोड पटना, नाला रोड का यही कीड़ा है, देख लिया ना कीड़ा है, अरे मस्ती वीडियो है, रोस्टिंग वीडियो है, उसकी जावेद के लिए मॉडलिंग का कीड़ा है। साला कुर्ता पहन, पहन कुर्ता, दीपक कलाल राखी सावन सबको टारगेट किया गया है इस वीडियो में। ये जो बोल रहा है हम अश्लीलता को बढ़ावा नहीं देंगे, नहीं ये देंगे। बोल रहा है ये पूरा पटना को बदनाम करके रख दिया है, पूरा बिहार को बदनाम करके रख दिया, पूरा समाज को बदनाम करके रख दिया, अब ये बोला है विदेश में भी ये भारत को बदनाम करने वाला है, लेकिन ये हम नहीं होने देंगे। देखिए हम इसको कपड़ा पहना दिए हैं, इसको मॉडलिंग हम नहीं करने देंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे अश्लीलता को बढ़ाना बढ़ावा देने वाले मॉडल जो हैं हम उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। एक को क्या? तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो बेसिकली ये पत्रकार थोड़ा फनी वे में पत्रकारिता कर रहे हैं पब्लिक में, और वहां पे पत्रकारिता नहीं है, ये पहली बार मैंने देखा था तो मुझे लगा कि ये पत्रकार है। ये वहां पर एक जो भी अश्लीलता फैलाते हैं, जैसे कि दीपक कलाल हुए, राखी सावंत हुए, उर्फी जावेद हुए, बेसिकली इसमें जो टारगेट किया गया था वो उर्फी जावेद का लुक दिया गया था, और वहां पर एक रोस्टिंग टाइप का वीडियो है इनका, और समाज को बस ये फनी वीडियो के माध्यम से सिखाना चाहते हैं कि अश्लीलता ना फैलाए। तो काफी अच्छी वीडियो इनकी लगी है, ये मेरा पहला रिएक्शन वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बताएं कि कमेंट करके जरूर बताएं कि रिएक्शन कैसा लगा, अगर रिएक्शन अच्छा लगा होगा तो और भी रिएक्शन वीडियो मैं ऐसे ही वीडियोस पर बनाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।